प्रिय। स्वामी आप चलो मेरे साथ चंद्रमहल चलो। नहीं स्वामी, जब तक आप अपनी अन्य पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दे देते मैं यही रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय, केवल तुमसे, और तुम्हारे अतिरिक्त ये चंद्र किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए स्वामी, मुझे आपके विरह की अग्नि में जलना स्वीकार है, किंतु अपनी ही बहनों का सुख सौभाग्य छीन लेने वाली नीच स्त्री का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंद्र जो दूसरों को शीतलता बांटता फिरता है, आज स्वयं तुम्हारी विरह की अग्नि में दहक रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा रोहिणी। नहीं स्वामी नहीं, नहीं नाथ नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अनिष्ट हो जाएगा। आप मेरे पिताश्री की क्रोध से अवगत नहीं, यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। चंद्र, तेरी ये उदंडता, नीच पापी, छोड़ दे मेरी पुत्री को। ये मेरी पत्नी है और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं। पत्नियां तो यहाँ तुम्हारी और भी हैं, ले जाना है तो सभी को ले जाओ। विवाह मात्र शरीर के साथ फेरों से नहीं, मन के वरण करने से होता है, और मैंने मात्र आपकी इसी पुत्री को मन से वरा है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कह अपने इस पापी पति से तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। हुए अमृत को छल द्वारा पान करने के कारण न केवल राहु का शिरोच्छेद हुआ, प्रत्युत देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस सफलता का श्रेय भगवान शिव को देकर देवगणों ने उनका आभार व्यक्त किया। दूसरी ओर दक्ष की 27 कन्याएं चंद्र को पति रूप में पाने की इच्छुक हैं। स्थितिवश दक्ष चंद्र के माता पिता अत्रि व अनुसूया से निवेदन कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं।
किंतु विवाह संपन्न होने पर चंद्र केवल रोहिणी को ही मान्यता देकर शेष पत्नियों को रुष्ट कर देते हैं। स्वामी रोहिणी को लेकर कक्ष में चले गए, हमसे बात भी नहीं की। क्या हम बात करने के योग्य भी नहीं थे जो हमें बिना कोई आदेश दिए चले गए? ये क्या पी? मिलन की इस बेला में जब चंद्र रोहिणी को अपने शीर्ष पर सजाने का इच्छुक है तो रोहिणी उसे छिटक रही है। क्या हम तुम्हें प्रिय नहीं? आप जैसे सुदर्शन पति को पाने के पश्चात भला कौन पत्नी ये कहेगी, किंतु आपका प्रेम व्यहन करते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे मैं अपनी बहनों का प्रेम अंश उनसे छीन रही हूँ। प्रिय, पत्नी होना एक धर्म है, प्रेमिका एक भाव। तुम्हारी बहनें मेरी पत्नी अवश्य है, परंतु मैं प्रेम केवल तुम ही से करता हूं। कि रात्रि की बेला बातों में व्यर्थ गवाने के लिए नहीं है प्रिय, चलो विहार करें। अभी आपने कहा कि पत्नी होना एक धर्म है, इसी प्रकार पति होना भी एक धर्म है। और ये धर्म कहता है कि अपने प्रेम को सभी पत्नियों में समान रूप से वितरित किया जाए, किंतु आपने मेरी अन्य बहनों को प्रेम पिपासा में छोड़कर उचित नहीं किया। उनकी दशा उस चकोरी के समान हो गई है जो चंद्र के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबसे अधिक प्रेम स्वामी रोहिणी को ही करते हैं। विवाह 27 दक्ष पुत्रियों के साथ और प्रेम केवल एक के साथ, ये तो सर्वथा अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये अन्याय असहनीय है, दुखदायी है। क्या हमारा जीवन पति प्रेम पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? नहीं, पति प्रेम पाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा कि हम स्वामी के प्रेम पात्र बने, प्रेम पात्र अवश्य बने। तभी से तुम्हें प्राप्त करने की कामना में दग्ध हो रहा हूँ जब तुम्हें प्रथम बार देखा था, और अब जब हम मिलन के इतने निकट हैं तो तुम तर्क पर तर्क ही जा रही हो। मैंने तो केवल इतना कहा कि पति रूप में अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना आपका धर्म नहीं है। प्रेम, धर्म, कर्म, जात पात, रीति नीति कुछ नहीं जानता। प्रेम की परिभाषा तो सबसे निराली होती है, और यदि तुम इस परिभाषा का अर्थ जान जाओगी तो स्वयं कच्चे धागे की तरह मेरे पीछे पीछे खिंची चली आओगी। संसार करें, आओ हम
गई होंगी अपने पिता दक्ष के पास अपना दुखड़ा रोने, परंतु रोहिणी उनके आंसू मुझे तुम्हारे प्रेम से विचलित नहीं कर सकते। अग्नि को साक्षी देकर हम सभी बहनों को चंद्र ने पति के रूप में वरा था, किंतु केवल वो रोहिणी पर अपना सारा पति प्रेम लुटा रहा है। हम अपनी उपेक्षा और अनादर नहीं सहन कर सकते माते। माना चंद्रदेव से हमारा संबंध नया ही जुड़ा है, हमारे नए जीवन का प्रारंभ हुआ है, परंतु इस नए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हम अभी तक पति सुख से वंचित हैं। रोहिणी तो हमारी बहन है, कम से कम उसे तो अपनी बहनों के दुख और व्यथा के विषय में सोचना चाहिए। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है पिताश्री। पति से उपेक्षित पत्नी की स्थिति उस विधवा से भी हीन है जो अपने पति को खोने का दुख धीरे धीरे संजो लेती है। ऐसी अशुभ बातें मत करो पुत्रियों। तुम्हारे पिता इस स्थिति को सामान्य कराने का अवश्य प्रयास करेंगे। तुम्हारी माता ठीक कह रही है पुत्री, चंद्र पर केवल रोहिणी का अधिकार नहीं। मैं चंद्र को समझाकर तुम सभी को पति प्रेम का न्यायोचित भाग अवश्य दिलवाऊंगा। धर्म पत्नी होने का ये तात्पर्य नहीं
की मांग में पति के नाम का सिंदूर सजाए हुए सारा जीवन पति के प्रेम को तरसते हुए ही बिता दिया जाए। पत्नी धर्म के साथ साथ पति धर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो ये कि तन मन व्यवहार सदाचार हर प्रकार से पति अपनी पत्नी को सुखी करे। किंतु आपके पुत्र चंद्र ने अपनी 26 पत्नियों की उपेक्षा विवाह की प्रथम रात्रि को ही कर दी। ये वास्तव में दुख का प्रसंग है। जब राजा दक्ष विवाह प्रस्ताव लाए थे उस समय तुम अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु मैंने कहा था कि चंद्र का चंचल स्वभाव क्या सभी पत्नियों के प्रति उसे न्याय करने देगा। मन में ऐसी संशय के रहते हुए मैं तनिक असमंजस में था, किंतु आपके आग्रहपूर्ण प्रस्ताव और अनुसुईया की प्रसन्नता को देखते हुए मैंने आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मैं चंद्र को बुलाता हूं। चंद्र आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ। पिताजी ने हमें स्मरण किया है, चलो चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। रोहिणी, अत्यंत ही लज्जा और खेद का विषय है। एक और तुम्हारी सहविवाहिता बहनें पति से उपेक्षित अश्रु बहा रही हैं, और एक तुम निर्लज अकेले ही पति प्रेम में विभोर हो रही हो। पिताश्री, मुझे अत्यंत दुख है, किंतु यदि ये सच है रोहिणी कि तुम्हें इस बात का दुख है, तो अपनी बहनों के साथ न्याय होने तक तुम्हें अपने पति के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। आप इनसे पूछिए पिताश्री, अपनी बहनों के साथ भी समान भाव से पति धर्म निभाने की बात मैंने इनसे कही थी, किंतु ये ठीक है, ये जैसा उचित समझे। किंतु तुम मेरे साथ दक्ष महल चलोगी अभी इसी समय। किंतु पिताश्री, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता रोहिणी। पिता के लिए सब संतान बराबर होती है, उनके दुख सुख बराबर होते हैं। फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ कि एक पुत्री तो प्रेम के हिंडोले में पेंगे बढ़ाती जाए और शेष सुहागने होते हुए विधवाओं का सजीवन व्यतीत करे। नहीं, देवी अनुसुईया, ऋषिवर, आप मुझे रोहिणी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपने जो सोचा वही उचित है, क्यों स्वामी? मैं भी राजा दक्ष के विचार का समर्थन करता हूँ। रोहिणी, दक्ष महल के लिए प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। चलो रोहिणी। रोहिणी पर तुम्हारा ऐसा उत्कट प्रेम था तो तुम्हारा मात्र उसी से विवाह करना उचित था, किंतु अब जब तुम्हारी 27 पत्नियां हैं तो तुम्हें सभी को अपने प्रेम का दान देना होगा। प्रेम तो हृदय से उत्पन्न होता है, और मेरे हृदय पर तो मेरा अधिकार ही नहीं रहा। वो तो तभी रोहिणी का हो गया था जब मैंने उसे प्रथम बार देखा था, और अब तो मेरे हृदय और मेरी आंखों में केवल रोहिणी की ही छवि है। रोहिणी से मेरा मिलन शीघ्र ही करा दीजिए, हे शिव शंकर। अश्विनी, फाल्गुनी, उत्तरा, रोहिणी, चंद्र ने तुम लोगों के साथ जो कुछ किया है उसका प्रायश्चित अब ये रोहिणी करेगी। रोहिणी, हम इसे चंद्र से दूर ले आए हैं। पिताश्री, तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहनों। मैं तो तब भी विवश थी और अब भी विवश हूँ। रोहिणी, हम तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहते, बस सिर्फ हम न्याय चाहते हैं। जब तक रोहिणी चंद्र के पास रहेगी तुम सबको न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए हम रोहिणी को यहाँ ले आए हैं। ये आपने ठीक नहीं किया स्वामी, अपने जमाता चंद्र को दुखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। महारानी, तुम हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती।
हम दक्ष प्रजापति हैं। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो फिर क्या हम अपनी पुत्रियों को सुख से आंखें फेर दें? ये कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। तुम उनके पास लौट जाओ रोहिणी बहन, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ साथ वे भी दुखी हों। नहीं, जब तक चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबको समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता, रोहिणी यहाँ से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारी जमाता चंद्र कितने भावुक हैं। जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्याय को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिवजी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा यह निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है महारानी, तुम्हारी इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे। माते, रो मत बेटी, रो मत। मुझे विश्वास है परमपिता ब्रह्मा अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। रो मत मेरी पुत्री, रो मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमपिता, आंखें खोलिए, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। आओ पुत्र दर्श, तुम क्या बात है? मुझे आश्चर्य हो रहा है परमपिता, सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी आपको शिव की आराधना करने की आवश्यकता हुई। इसमें आश्चर्य कैसा पुत्र दर्श? शिव महादेव देवों के देव हैं, उनकी आराधना करना तो संसार के प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये उपदेश आप मुझे नहीं किसी और को दीजिए परमपिता। मैं आपके शिव शंकर के स्वरूप से भली भांति परिचित हूँ। हम इस विषय में विवाद के इच्छुक नहीं है। बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मैं देख रहा हूँ परमपिता, शिव से संबंधित हर व्यक्ति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारी शांति भंग कर रहा है। हम समझे नहीं, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? अपने जामाता अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र की, जो शिव के अति प्रिय है। क्या किया है चंद्र? चंद्र ने हमारी कन्याओं के साथ छल किया है परमपिता, उन्हें दुख पहुंचा है। इस बात की जानकारी हमें है। अपनी नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह करने से पहले तुमने हमसे तो परामर्श नहीं लिया। हमें पता था कि चंद्र रोहिणी के समान किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता, यही विधि का विधान है। परमपिता, विधि का विधान तो यह भी था कि हमारी 27 की 27 कन्याएं चंद्र की पत्नियां बने, और उसी के अनुसार हमने सभी कन्याएं चंद्र को सौंप दी। अब जो हो चुका है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्याओं को अर्थात अपनी पोत्रियों को सुखी करने का कोई मार्ग निकालें। अपने आराध्य शिव से कहकर चंद्र को समझाएं कि वो अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करे। ये हमारे वश में नहीं है वत्स। किसी के मन की भावनाओं को बलपूर्वक परिवर्तित करना न हमेश है न भगवान शिव है। भला इसी में है कि तुम अपनी सभी कन्याओं को चंद्र के पास भेजो। चंद्र को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम दक्ष प्रजापति हैं परमपिता, एक बार जो कन्याएं पतिग्रह से लौट आई हैं उन्हें बिना इच्छा पुनः भेजना और चंद्र से दया की भीख मांगना हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्र को हमारे आदेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा परमपिता। ऐसा सोचकर तुम अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हो दक्ष। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तुम चंद्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार थोपने की चेष्टा मत करना। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण है। ओम नमः शिवाय।
था दक्ष? नारायण नारायण, कहाँ था दक्ष? आप पृथ्वी का अपना राज्य छोड़कर यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? देवर्षि नारद, चंद्र को अपना जामाता बनाने का दंड भुगत रहा हूँ। नारायण नारायण, अर्थात चंद्रदेव ने आपको कष्ट पहुंचाया, परंतु चंद्रदेव तो बेचारे सुंदर, शीतल और प्रेम से भरे हैं, वे आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? देवऋषि, चंद्र की प्रशंसा सुन हमारा क्रोध जाग उठता है, आप कोई और बात कीजिए। भ्राता, जैसी आपकी इच्छा, परंतु आपकी समस्या क्या है? देवऋषि, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मेरी समस्या का पता ना हो। चंद्र ने रोहिणी के कारण मेरी 26 पुत्रियों को उपेक्षित कर दिया है और ये बात पूरे संसार में फैल चुकी है, और आप तो घर घर का हाल जानते हैं। नारायण नारायण, मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा भ्राता दक्ष, मैं जानता सब कुछ हूं, परंतु आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। अपनी पुत्रियों के पति के साथ क्या कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है? उन्हें तो प्यार से मनाना चाहिए। अर्थात आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं देवऋषि? तो ये भी जान लीजिए कि यदि चंद्र चुपचाप अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर क्षमा मांग लेगा तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे, अन्यथा परिणाम अनिष्ट होगा। जाकर कह दीजिए चंद्र से। नारायण नारायण, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। चंद्र और दक्ष प्रजापति की बुद्धि विपरीत करने में जगत कल्याण का मार्ग अवश्य छुपा हुआ होगा, आपकी लीला आप ही जाने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्र, ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र, ओम नमः शिवाय। चंद्र, ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र, ओम नमः शिवाय। कहाँ है तू चंद्र? ओम नमः शिवाय। चंद्र तो चला गया देवी, मैंने उसे बहुतेरा रोका किंतु उसे रोक पाना संभव नहीं था। रोहिणी के जाने से चंद्र के मन को आघात लगा है, उसे यहाँ से नहीं जाने देना था। मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे देवी अनसुईया। दक्ष का रूप, चंद्र का विषाद, लगता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। ऐसा अशुभ न बोलिए स्वामी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारा चंद्र इस संकट से सकुशल निकल आए। अब तो भगवान शिव शंकर का ही आसरा है, चलो देवी हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्धांगनी की अपेक्षा भक्त के प्रति भगवान को विशेष सचेत रहना पड़ता है। नारायण नारायण, प्रभु आपने इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए देवी सती को कुंठित कर दिया। कुंठित? मैं? कदापि नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत उलाहने, थोड़े हास्य, थोड़े परिहास, इन्हीं से तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है ना प्रभु?
तुम्हारा मंतव्य है कि प्रेम के विस्तार के लिए मैं भी ये सब करूं? देवी सती, आपको तो प्रतिक्षण भगवान शिव के निकट रहने का सुख प्राप्त है, परंतु हम भक्तों को भगवान शिव के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य होकर चले जाते हैं। नारद जी, कहीं आपको मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही? नारायण नारायण नारायण। देवी सती, ये कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अवश्य हूँ, परंतु मैं विवाह संस्था भी मानता हूँ। पति पत्नी को एक दूसरे के नैकट्य का सुख अति आवश्यक है। यदि यही अप्राप्त रह जाए तो बड़े दुख की बात है। आपकी निश्वास कुछ संकेत करिए देवर्षि, स्पष्ट करिए आपके कहने का तात्पर्य क्या है? यही कि आपकी बहन रोहिणी और उनके पति चंद्र का एक दूसरे के प्रति अति प्रेम और नैकट्य सुख आपकी अन्य बहनों के लिए दुख का कारण बन गया है। देवी सती, आपके माता पिता भी अत्यधिक चिंतित है। हे भगवान शिव शंकर, देवी सती की बहनों के कष्ट के निवारण हेतु कुछ तो उपाय कीजिए। किसी को सुख तो किसी को दुख, ये उचित नहीं। प्रभु प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं? इतना तो बताइए कि सुख दुख मिश्रित कथा का अंतिम चरण क्या है? सुख और दुख दोनों ही जीवन में कन्या के लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं, जैसे स्वाद के लिए नमक और शर्करा। जिस कथा की चर्चा तुम कर रहे हो उसे तनिक आगे तो बढ़ने दो और उसका अंतिम चरण आने तक प्रतीक्षा करो। कैलाश पर देवाधिदेव भगवान शंकर के समक्ष देवर्षि नारद ने माता सती से चंद्र का रोहिणी के प्रति आकर्षण व अन्य पत्नियों के प्रति विकर्षण का उल्लेख किया। माता सती बहनों की चिंता में निमग्न हो गईं। उधर अर्धरात्रि में रोहिणी अपनी शैया पर बैठी चंद्र की स्मृति में व्याकुल है। ये मुझे क्या हो गया है प्रभु? क्या मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है? क्या चंद्र मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा? क्या चंद्र मेरी सुध ही नहीं लेगा? मुझे स्वयं नहीं ज्ञात कि मैं कैसी विपदा में आन पड़ी हूं। हे परमेश्वर, मेरा जीवन क्या निरर्थक है? नहीं नहीं, मेरा जीवन निरर्थक नहीं हो सकता। मैं इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सोचना होगा मुझे। मैं अपने चंद्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। हे भगवान, तुम्हें यदि सृष्टि रचना करनी ही थी तो मानव क्यों बनाया? और यदि मानव ही बनाना था तो उसे हृदय क्यों दिया? और यदि उसे हृदय देना ही था प्रभु तो उसमें प्रेम क्यों समोया? ये मेरी सोच से परे है प्रभु। मैं आज तक इसका कारण नहीं जान पाई। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरे चंद से मुझे शीघ्र मिला दो प्रभु। रोहिणी, जिस पति को प्राप्त करने के लिए हमने इतनी पूजा और अर्चना की, उसी ने जब हमें ठुकरा दिया तो हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। ये भी सत्य है कि तीर खाए पंछी की तरह छटपटाते हुए जब हमने पिता के समक्ष कहा कि चंद्र रोहिणी के कारण हमें उपेक्षित कर रहा है तो हमें ठीक नहीं लगा। हम तो विरह में विचलित थे ही, तेरा सुख भी पिता के क्रोध ने छीन लिया। जो कुछ भी हुआ अश्विनी बहन, ठीक ही हुआ। यदि हम सब बहनें बचपन से सुख में भागीदार रही हैं तो दुख में भी हमारा समान भाग होना चाहिए। मैं सत्य कहती हूँ बहनों, स्वामी के पास होते हुए भी मैं हर क्षण यही सोचा करती थी कि तुम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अश्विनी, हम बहनें तो हैं किंतु उससे पहले हम नारी हैं, और यदि नारी ही नारी की पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? हो सके तो मुझ पर विश्वास करो
और मुझे स्वयं से अलग मत समझो। बस करो रोहिणी, अब इस तरह से अपने मन को और मत दुखाओ, होगा वही जो भगवान को स्वीकार होगा। अब तुम विश्राम करो बहन। हाँ रोहिणी, आओ चलें। मेरे साथ चंद्रमहल चलो। नहीं स्वामी, जब तक आप अपनी अन्य पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दे देते, मैं यही रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय, केवल तुमसे, और तुम्हारे अतिरिक्त ये चंद्र किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए स्वामी, मुझे आपके विरह की अग्नि में जलना स्वीकार है, किंतु अपनी ही बहनों का सुख सौभाग्य छीन लेने वाली नीच स्त्री का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंद्र जो दूसरों को शीतलता बांटता फिरता है, आज स्वयं तुम्हारी विरह की अग्नि में दहक रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा रोहिणी। नहीं स्वामी, नहीं नहीं नाथ, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अनिष्ट हो जाएगा। आप मेरे पिताश्री की क्रोध से अवगत नहीं, यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। चंद्र, तेरी ये उदंडता, नीच पापी, छोड़ दे मेरी पुत्री को। ये मेरी पत्नी है और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं। पत्नियां तो यहाँ तुम्हारी और भी हैं, ले जाना है तो सभी को ले जाओ। विवाह मात्र शरीर के साथ फेरों से नहीं, मन के वरण करने से होता है, और मैंने मात्र आपकी इसी पुत्री को मन से भरा है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कहे अपने इस पापी पति से, तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। स्वामी, कुछ बोलिए।